तो चलिए एक नई मार्केट की शुरुआत करते हैं, जो चौक फूले वाला बाजार कल्ला है, जो अलग अलग यहाँ पे मार्केट है, ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं। इस मार्केट में आज हमने एंट्री किया हुआ है। इस मार्केट की हर गलियों में कौन कौन सी दुकानें हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बिकती हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, तो इस मार्केट को हम दिखाते चले जाएंगे। और इस मार्केट को क्या कहते हैं जलंधर वाले लोग, ज़रूर मुझे बताना, जो जलंधर के बाहर है वो मुझे ज़रूर बताना इस मार्केट को क्या कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे सूट सलवार और ये वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बिकती हैं। और ये दिख रहा है आपको, तो ये देखिए इस तरह के सूट के अलग 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 है। हमारे यहाँ पे टच टू टच सोना बदली किया जाता है, ओम गोल्ड टेस्टिंग लैब, टच टू टच सोना बदली किया जाता है। भाई ये टच टू टच क्या होता है मुझे नहीं मालूम, ज़रूर बताओ। और इस गली का क्या नाम है मुझे नहीं पता यार, इस गली को क्या कहते हैं। ये जो शॉप है ये अलग डिफरेंट शॉप है, ये अलग वो सारी चीज़ें हैं। तो ये इस बाज़ार को क्या कहते हैं मुझे बताओ। मैं यहाँ पर आ गया हूँ कला बाज़ार जी, ये है पाजी। इस बाज़ार को क्या कहते हैं, कलाई बाज़ार ही है ना, बस ये कला बाज़ार ही जाना था। तो ये देखिए कला बाज़ार है भाई साहब, यहाँ पे भी ये देखो जो ऊपर लगता है ये उसकी दुकानें हैं। तो ये कला बाज़ार है, ये शूज़ के इसके उसके स्टोर्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, बच्चों के खिलौने की दुकान। तो जो जितनी भीड़ें आप टिक्की वाला चौक में देख रहे थे, जितनी भीड़ें आप वहाँ वाले रोड पर दिख रही थी, उतनी क्राउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी वो क्राउड कम है। जो बाज़ार है ये कला वाली बाज़ार है, ये पूरा ये जो इसकी गलियाँ हैं ठीक है, यहाँ पे कोट पेंट और बहुत सारी चीज़ें रेंट पे भी लोग देते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। तो ये कला वाली बाज़ार में आपको एक्सप्लोर कर देता हूँ। ये देखो शेरवानी ऑन रेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये हो गई आपकी पूरी कला वाली मार्केट, दिख रहे हैं यहाँ पे शूज़ जूते प्राइस लहंगे किराए पर देते हैं, यहाँ पर लहंगे किराए पर दिख रहा है ये। तो लहंगे कितने किराए पर हैं ये भी मैं पूछूंगा कि इस पर क्या प्राइस है, सारी चीज़ें हैं। तो ये कला वाली बाज़ार है भाजी, ये मार्केट कितनी बड़ी है, बहुत दूर तक है क्या कला बाज़ार का, कला बाज़ार बहुत दूर तक है। तो ये कला बाज़ार है जलंधर का, वो आप देख लीजिए यार, आपको मैं मार्केट दिखा रहा हूँ। कौन कौन इस मार्केट में आया है मुझे ज़रूर बताएं, सारी चीज़ें आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, सारी चीज़ों के बारे में मुझे बताइए। तो ये कला बाज़ार है और ये देखिए यहाँ पे मूर्ति उर्तियों के ये वो पूजा पाठ की दुकानें शुरू हो गई, काजू बादाम ये वो सारी चीज़ें। तो देख रहे हैं आप, तो कला बाज़ार यहाँ पे कपड़े की और ये उसके सारे मिक्स है। तो मार्केट एक्सप्लोर बिजनेसपुर में ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट बिजनेस है कहाँ पर, सारी चीज़ें है कहाँ पर, सारी चीज़ें भी क्या प्राइस है क्या रेट है। अक्सर यहाँ पे जितनी दुकानें हैं वो ज़्यादा करके रिटेल है, 9779 भैरून बाज़ार, अभी पता नहीं ये कौन सी बाज़ार है, मुझे पूछनी पड़ेगी और इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं, पता करते हैं, इस भाई से पूछते हैं। भाई इस मार्केट का क्या नाम है, कला बाज़ार, भैरव बाज़ार। अच्छा ये कहाँ तक है, दूर तक है, यहीं तक ये। अच्छा तो ये भैरव बाज़ार भी इसी कला बाज़ार के अंदर ही है, ये दोनों इसी में मिक्स हो गया है ठीक है दोस्तों। तो कला बाज़ार भी है और भैरव बाज़ार भी है, तो मुझे बताओ ये आपको हमने दिखा दिया है। ये देखिए भाई छोटी सी सड़क और सारी चीज़ों पे ये अंकल जी बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखो ये निकल पा रही है नहीं निकल रही, रुक जा एक मिनट, ये देखो कितना लोड और कितनी सारी चीज़ें छोटी सी रोड पर यहाँ पर
ऐसी ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं। और तो हम लोग ये भैरव बाज़ार में हैं अभी। भैरव बाज़ार का ये सारी चीज़ें है, भैरव बाज़ार में हम चल रहे हैं इस समय। अब आ गए हम भैरव बाज़ार में। अब वो ख़त्म हो गया था कला बाज़ार, तो कला बाज़ार भैरव बाज़ार दोनों साथ में ही थे। मैं पता नहीं चला कि ये बाज़ार कब ख़त्म हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा भैरव बाज़ार है। भैरव बाज़ार का मैं आपको दिखा रहा हूँ, भैरव बाज़ार है ये पूरा। ये देखिए, ये लहंगा वहंगा ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो ये भैरव बाज़ार का ये पूरा दृश्य है, आप इसे देख सकते हैं। और ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप भैरव बाज़ार, और ये पूरी मार्केटिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे जो सूट होते हैं, देखिए इसी तरह के यहाँ पर ना कलर करते हैं डाल के, यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। तो ये भैरव बाज़ार पूरा हो गया है, कला बाज़ार भी पूरा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे वही प्राइस है, 100 रुपये, 150, 200, 300। ये वो भाजी वो कितने की है, ये वाली ये कितने की है? ये 1250। 1250 रुपये, 650। ठीक ठीक, ये 650 रुपए बोले, वो 1250 की उन्होंने बोल दी है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी मार्केट आप देख लीजिएगा, कला बाज़ार और भैरव बाज़ार दोनों साथ में ही है। ठीक है, तो अब जितनी भी सस्ती हस्ती थी वो सब मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पर। ये देख सकते हैं इसे कपड़े वपड़े सारी सब कुछ। मुझे नहीं पता था कि जलंधर की जो बाज़ार है वो इतनी बड़ी होगी, और इनकी जो गलियां होगी छोटी छोटी इतनी गली होगी। ठीक है, आप मुझे बताइए आपको यहाँ का मार्केट कैसा लगा, प्राइस कैसे लगा, ये वो सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, अलग अलग जो रिटेल बाज़ार हैं वो भी हमने आपको सारा सब कुछ दिखा दिया है, कला बाज़ार और भैरव बाज़ार के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस मार्केट को आगे, बस कुछ और दुकानें हैं ये ख़त्म हो जाएगी, और उन सारी चीज़ों को हम आगे देखते हैं। ये देखिए 500 रुपये यहाँ पर रेट लगी हुई है सेल के, 500, 700, 800 सारी चीज़ें, सूट्स के, गिफ्ट्स के, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। इन छोटी सी सड़क पर लोग गाड़ियाँ चलाते हैं यार, मुझे समझ नहीं आता। इनके लिए बाहर ही एक जैसे रेक लगे रहते, अगर वैसे लगा देते हो बहुत अलग। ये देखिए, यह बहुत ही प्यारा ड्रेस। ठीक है, आपको ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना, आपको सारी चीज़ें कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए आप सारा सब कुछ। और ठीक है, ये भैरव बाज़ार और कला बाज़ार यहीं से ख़त्म हो चुका है, और सारे प्राइजेस के आपको बता दिए हैं मैंने, और सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, ये मार्केट के बारे में आपको दिखा दिया है हमने। तो भैरव बाज़ार और कला बाज़ार, अब आ गया मेन हिरन गेट आ गया, और ये मेन हिरन गेट भी यहीं पर ही है, मेन हिरन गेट। तो ये वह सारी चीज़ें हैं भाजी। इस बाज़ार को क्या बोलते हैं, इस बाज़ार को क्या कहते हैं? मेन हिरन गेट, माहिरा गेट। अच्छा, माहिरा गेट पर हम आ चुके हैं। ठीक है, तो ये माहिरा गेट भी आ गया है। ठीक है, तो मैंने आपको कला बाज़ार, भैरव बाज़ार और जो माहिरा गेट का मार्केट है ये सारा हमने आपको दिखा दिया है। आप बताना ये कैसा लगा और आपको सारी चीज़ें कैसे लगी। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बिजनेसपुर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और मार्केट का मैंने आपको सारी जो मार्केट थी जो इस रोड पर जो कला बाज़ार से निकलते हुए ये जो मार्केट पूरी आई वो हमने आपको सारा दिखा दिया है। तो बताइएगा ये मार्केट यहाँ के सारी चीज़ें आपको कैसे लगी। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नया लेकर। शुक्रिया।